एपिसोड का स्टार्टिंग होता है मियाँ से और वो सबके लिए खाना बना रही होती है। मियाँ के पास किमितो भी था और उसके कारण मियाँ किमितो के साथ बात करके बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर। मियाँ सोचते हैं फ्यूचर में वो और किमितो एक साथ ही शादी करने वाले हैं और इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा मजे करेंगे और इसके बारे में सोचकर मियाँ खाने में फोकस नहीं करती है। इसके कारण जो खाना होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी हद से ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन मियाँ अपने बातों में बिजी होती है। वह इसके बाद किमितो कहता है, मियाँ पहले तुम अपना खाना देख लो क्योंकि ये कुछ और सा लग रहा है। और इसके बाद मियाँ देखते खाने को जहाँ पर ये बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और उसके कारण मियाँ उसको पकड़ लेती है, यानी उस बटन को पकड़ लेती है और ये बहुत गर्म था तो उसके लिए मियाँ का हाथ जल जाता है वेल इसके बारे में मियाँ अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है और बाहर किमितो आ जाता है। किमितो बाहर से कह रहा होता है, मियाँ तुम बाहर आ जाओ, इसमें इतना कोई बड़ा बात नहीं है, यानी गलती सबसे होता है। तुमने खाना बनाने का ट्राई किया था और यही सबसे अच्छा बात है, बाकी तुमसे गलती हो गया और इतना बड़ा बात नहीं है, और ऐसे वो समझा रहा होता है। लेकिन इसके बाद भी मियाँ नहीं मानती है। मियाँ अंदर से कह रही होती है, नहीं ऐसा बात नहीं है, बस वो बाहर नहीं आना चाहती, यानी वो किमितो के साथ मीट करना नहीं चाहती है और इसके कारण किमितो तुम जा सकती हो। और इसके बाद किमितो चला जाता ही है, लेकिन इसी बीच वो एक चीज को नोटिस करता है, यानी नीचे एक चीज गिरा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा साइन कर रहा था और ये बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था, और इसके कारण किमितो उसे उठा लेता है और वो कहते हैं ये चीज क्या है। और उसको सुनते ही मियाँ अचानक से बहुत सारे अलर्ट हो जाती है, वो कहते हैं उसको रख दो, लेकिन इसके बाद में किमितो उसे उठा चुका था और ये बात मियाँ जान चुकी थी, तो इसके कारण मियाँ डायरेक्टली अपने रूम के बाहर आ जाती है और उसके कारण जो उसका डोर होता है, यानी रूम का डोर होता है, वो भी टूट जाता है और साथ ही वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कल गिरने के बाद ही किमितो देखता है जो मियाँ का बॉडी होता है वो कुछ और ऐसा लग रहा होता है, यानी जो मियाँ का स्किन होता है वो थोड़ा उतरा हुआ था, और उसको देखकर ही किमितो कहता है, वैसे तुम्हें क्या हो गया, यानी तुम्हारे बॉडी में ये सब क्या है। और उसके बाद वो दोनों रूम में आ जाते हैं और उसके बाद मियाँ सब कुछ कह देती है। बेसिकली एक टाइम आता है जहाँ पर स्नेक अपना बॉडी का स्किन बदल देते हैं और ऐसे मियाँ का भी टाइम आ चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली मियाँ भी एक स्नेक ही है या फिर ह्यूमन भी है और इसलिए हम लोग इसको मॉन्स्टर कहते हैं। वेल जो भी हो इसके कारण मियाँ किमितो के साथ नहीं मिलना चाह रही थी, क्योंकि मियाँ का स्किन उतरने वाला था, लेकिन अब मियाँ अपने हाथों से वो काम नहीं कर सकती है क्योंकि ऑब्वियसली मियाँ के हाथ जल चुके थे। वेल इसके बाद मियाँ रोती है, साथ ही वो अपना कंडीशन किमितो को बता देती है, यानी वो कहती है उसका जो स्किन है वो बाहर आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी जो उसके हाथ है वो अब कुछ और हिस्सा हो चुके हैं या फिर वो अपने हाथ का यूज नहीं कर सकती है और इसके कारण वो रूम में लॉक्ड होना चाहती है। वेल इसके बारे में किमितो कहता है, अगर ऐसे ही बात है तो ठीक है, किमितो उसका हेल्प करने वाला है, किमितो जो मियाँ का यूजलेस स्किन है उसको उतारने वाला है। और इसके बाद ही मियाँ कहती है, क्या सच में तुम ऐसा करने वाले हो, या फिर इससे क्या तुम्हें और इससे क्या तुम्हें कुछ और सा नहीं लगेगा। और इसके बारे में किमितो कहता है, नहीं उसे ऐसा कुछ भी अलग सा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली किमितो मियाँ का मास्टर है और मास्टर का ये काम ही है अपने मास्टर को अच्छे से रखना, और इसके कारण किमितो ये करने के लिए तैयार है। वेल इसके बाद वो दोनों एग्री हो जाते हैं और इसके बाद किमितो अपना काम करने लग जाता है, यानी वो मियाँ का जो बॉडी होता है वो अच्छे से देखता है और उसके बाद वो मियाँ के बॉडी से वो स्किन निकालने लग जाता है। वैसे हाँ, ये काम दिखने में बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं था, यानी किमितो को ये काम करने में बहुत ज़्यादा अलग सा फीलिंग आ रहा था और ये काम बहुत ज़्यादा हार्ड था। वैसे अगर तुम लोगों को ये काम मिलता तो तुम लोग क्या करते, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। तो इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है ये काम करने के बीच जो मियाँ होती है वो पहले हैप्पी होती है, लेकिन इसके बाद वो कुछ और ऐसा मूड पे आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली किमितो उसके बहुत ज़्यादा पास आ चुका था और वैसे भी मियाँ यही चाहती है। किमितो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करता है और वो कह रहा होता है, नहीं ऐसा वो नहीं करने वाला, वो मियाँ का हेल्प करने के लिए इधर आया है और वो वही करने वाला है, इसके अलावा वो कुछ और नहीं करेगा। लेकिन जो उसका मन होता है वो कह रहा होता है, नहीं तुम करो, वो जो तुम्हें करना होगा वो तुम करोगे ही। और ऐसे ही वो दोनों अपने भावनाओं पे आने लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद मियाँ प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और इसके बाद मियाँ को बहुत ज़्यादा अलग सा फील होता है, यानी वो शर्मा जाती है। और उसके बाद वो किमितो का जो सर होता है उसको और उसके बाद वो अपने पूछ से किमितो का जो सर होता है उसे पकड़ लेती है, लेकिन इसके बाद भी किमितो अपना काम कर रहा होता है क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ था, साथ ही मियाँ अपना जो बॉडी होता है उसको ढकने के लिए ऐसा कर रही थी। वैसे इसके बारे में किमितो जाने अनजाने में अपना हाथ किसी और ही जगह में दे देता है, जो कि बहुत गलत था, और उसको देखने के बाद ही मियाँ को फिर से बहुत अलग सा लगता है और इसके कारण मियाँ किमितो का जो सर होता है उसको घुमा देती है। कल किमितो का आंख थका हुआ था तो उसके कारण किमितो ने जानबूझकर ये नहीं किया था और उसके साथ ही मियाँ का भी ये करने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन अचानक से ये सब हो जाता है। वैसे इसके बाद किमितो का गला टूट जाता है। वैसे अगर तुम लोगों ने कमेंट बॉक्स में हाँ कहा था तो तुम लोगों का भी हाल यही होने वाला था, तो हाँ उसके लिए थैंक यू।
बाकी इसके बाद हमें दिखाया जाता है मियाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है क्योंकि मियाँ अपनी न्यू स्किन पे आ चुकी थी और इसके कारण मियाँ बहुत ज़्यादा साइन कर रही होती है। पर इसके बाद मियाँ अपना जो अधूरा काम होता है वो पूरा करती है, यानी वो कुकिंग करने लग जाती है। जहाँ पर किमी तो टेबल के पास ही बैठा होता है और उसका हाल बहुत बुरा होता है क्योंकि उसका गला टूट चुका था। पर इसके बाद ही मियाँ उसके पास यानी किमितो के पास अपने बनाए हुए खाने ला देती है, जहाँ पर जो उसके खाने होते हैं ये कुछ और ऐसा लग रहे होते हैं, यानी ये अच्छे नहीं होते हैं, ये बहुत भयंकर होते हैं। और उसको देख कर किमितो जान चुका था ये कुछ और ऐसा है, यानी वो समझ चुका था और वो समझ चुका था मॉन्स्टर खाना बनाने में अच्छे नहीं होते हैं। और इसके बाद किमितो मियाँ को देखता है, जहाँ पर जो मियाँ का मुंह होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही होती है। साथ ही मियाँ किमितो को देख रही होती है, यानी किमितो फाइनली मियाँ का खाना खाने वाली है और उसके लिए मियाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और उसको देख कर ही किमितो लॉक्ड हो चुका था, यानी उसको मियाँ का खाना खाना ही पड़ेगा, लेकिन किमितो ये खाना नहीं खाना चाह रहा था। और इसके बाद किमितो वो खाना टेस्ट करता है और उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अजीब होता है, यानी गाइस ये खाना नहीं था, ये कुछ और था जो मियाँ ने बनाया था, और ये देखकर भी तुम लोग कह सकते हो। वेल इसके बाद इसको ही खाकर किमितो का हाल बहुत बुरा हो गया था। वो इधर किमितो ने फैसला कर लिया था वो अब कभी भी मियाँ को खाना बनाने नहीं देगा। वेल इसके बाद इधर आ जाते हैं मेरो पापी और सेंटोरिया, और इसके बाद ही वो कहता है उनका ब्रेकफास्ट कहाँ पर है। यही सुनकर मियाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, एक्साइटेड होती है, और उसके बाद वो कह देती है आज उनके ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद वो सबको इंट्रोड्यूस कर देती है उनके डिशेस, और ये बहुत सारे होते हैं लेकिन सारे के सारे अजीब होते हैं, यानी सबको देखकर ही लग जाता है ये सड़े हुए हैं। और इसको देख कर ही वो लोग भी जान लेते हैं मियाँ ने कुछ और ही बना दिया है, और इसके कारण वो लोग एक साथ ही चिल्लाते हैं। और इसके साथ ही एपिसोड का पार्ट 1 खत्म। तो इसके